गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड, टुडे इज़ आवर कंप्यूटर लेक्चर, सो आर यू रेडी फॉर कंप्यूटर लेक्चर? रेडी हो? हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या पढ़ लिया कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं कंप्यूटर का, कंप्यूटर के, और उन पार्ट्स को भी हमने डीपली एक्सप्लेन कर लिया। सीपीयू क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, इन सबको आपने वीडियोज़ में वॉच किया। तो आज हम अगेन इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। कंप्यूटर सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मींस बिजली से चलने वाली एक मशीन है। कंप्यूटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बिजली से चलती है। और कंप्यूटर देखने में कैसा होता है? लाइक दिस, ठीक है, ऐसे ही होता है कंप्यूटर देखने में। इसको आप क्या बोलते हो? मॉनिटर, ठीक है, जो स्क्रीन आपके पास विजिबल हो रही है इसको आप क्या बोलते हो? मॉनिटर। क्लियर? सबको क्लियर हो गया कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसको आप किस लिए यूज करते हो? गेम्स को प्ले करने के लिए, मूवीज को वॉच करने के लिए, ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए, आप डिफरेंट पर्पज़ के लिए कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हो। आप सभी पेंटिंग करते हो कंप्यूटर में? आई होप कि सभी करते होंगे पेंटिंग। तो वो सब आप किस पर करते हो? पेंटिंग कैसे करते हो? कंप्यूटर में, पेंट में जा करके। पेंट में आप डिफरेंट डिफरेंट कलर लेते हो, उन कलर से आप सुंदर सी पेंटिंग बनाते हो। तो वह सब किस में करते हो? पेंटिंग आप अपने कंप्यूटर में करते हो, कंप्यूटर सिस्टम में। तो तो आपको ये क्लियर हो गया, दिस इज़ द मोनिटर, ठीक है। आपके पास जो स्क्रीन विजिबल हो रही है उसको आप क्या बोलते हो? मोनिटर। और यह आपको कैसे दिखाई दे रहा है? जैसे आपके घर में LED होती है, LCD है, सबके घर में है LCD, तो उसके जैसा ही दिखाई दे रहा है ये भी, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलते हो? मोनिटर। एंड डिफरेंट पार्ट्स कौन से हमने उसके रीड किए थे? CPU, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर्स, ठीक है, ये सब आपने पार्ट्स रीड किए, आप सभी ने देखे। तो CPU कैसा दिखाई देता है, कैसे विजिबल होता है? लाइक दिस, दिस इज़ द CPU एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन ही बोला गया है इसको, ठीक है। आप क्या करते हो CPU में? क्या करते हो? CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? आप सब ने नोट किया होगा CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फुल फॉर्म ऑफ द CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जैसे आप अपने ब्रेन को यूज़ करते हो वैसे ही कंप्यूटर क्या करता है? अपने ब्रेन को यूज़ करता है, ठीक है। अपना ब्रेन कौन सा यूज़ करता है? CPU, ओके। CPU को वह क्या करता है? एज अ ब्रेन यूज़ करता है। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी आप टाइप कर रहे हो, वह सब किस में प्रोसेस होता है? CPU में। जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जो मेमोरी है कंप्यूटर की, वो किस में स्टोर है? CPU के अंदर। तो क्लियर हो गया CPU क्या होता है। नेक्स्ट पार्ट कौन सा देखेंगे हम? कीबोर्ड। अब कीबोर्ड क्या होता है? दिस इज कीबोर्ड। कीबोर्ड में आपने स्मॉल स्मॉल कीज़ देखी, स्मॉल स्मॉल कीज़, छोटे छोटे से बटन्स, आप उनको छोटे छोटे बटन्स को आप क्या बोलते हो? कीज़। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कीज़ हमने यहाँ पर देखी, नंबर की देखी, अल्फ़ाबेट की देखी, स्पेस बार की, फंक्शन की, एंटर की। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ इन द कीबोर्ड। तो जो आपने नंबर की देखी, नंबर की कौन सी होती है? 0 से लेकर 9 तक की आपकी जितनी भी कीज़ आती हैं वो सब क्या होती हैं? आपकी नंबर की। क्लियर? नंबर की ही होती हैं वो। अल्फ़ाबेट की कौन सी देखी आपने? A to Z। जितनी भी आपकी A से लेकर Z तक की जितनी भी कीज़ आती हैं वो सब किसके अंदर आती हैं? आपकी अल्फ़ाबेट की के अंदर। आपने ऑलरेडी नोट किया है नोटबुक में, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो सबसे लॉन्ग की होती है जिसको आप क्या बोलते हो? स्पेस बार की। सबसे लॉन्ग की कहाँ पर होती है आपकी? ये वाली आपकी क्या होती है? स्पेस बार की, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है आपकी? एंटर की। और ये वाली क्या है आपकी? यहाँ पर
ये वाली जो विजिबल हो रही है फंक्शंस की कौन सी पढ़ी थी हमने, F1 से लेकर के F12 तक जितनी भी होती हैं वो सब आपकी कौन सी होती हैं, फंक्शन की होती हैं। सबको क्लियर है। और नेक्स्ट हमने पढ़ी थी एरोज़ की आप किस लिए यूज़ करते हो जब आप गेम को प्ले करते हो, तो गेम प्लेइंग के लिए आप कौन सी कीज़ यूज़ करते हो, एरोज़ की। मींस गेम में आप अप जाते हो, डाउन जाते हो, लेफ़्ट करते हो, राइट करते हो, तो उन सब के लिए आप कौन सी कीज़ यूज़ करते हो, एरोज़ की। क्लियर? तो आप सबको क्लियर है कीबोर्ड के बारे में कि कौन कौन सी कीज़ हमने अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था माउस क्या होता है, कैसा दिखता है माउस, लाइक दिस, दिस इज़ द माउस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ऐसे ही दिखता है। देयर आर टू बटन्स, क्लियर, टू बटन्स थे यहाँ पर, एंड वन इज़ स्क्रोल बटन। ठीक है, जो आपका एक बटन था लेफ्ट बटन, सेकेंड बटन कौन सा था, राइट बटन, और एक आपका था स्क्रोल बटन। स्क्रोल बटन को आप किस लिए यूज़ करते थे, अप एंड डाउन करने के लिए। ठीक है, स्क्रीन को आप मॉनिटर पर, जो आपकी स्क्रीन विजिबल हो रही है उस पर आप अपने पेज को, अपने स्क्रीन को अप एंड डाउन करने के लिए कौन सा बटन यूज़ करते थे, स्क्रोल बटन। ठीक है, एक व्हील दी हुई है आपके माउस पर, तो उसमें आप जो ये व्हील है बीच में मिड में दी होती है जो, इसको आप अप एंड डाउन करने के लिए यूज़ करते हो, एंड दिस इज़ द लेफ्ट बटन, दिस इज़ द राइट बटन। क्लियर, माउस के बारे में क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंटर। आप प्रिंट आउट निकालते हो, कंप्यूटर में से प्रिंट आउट निकालते हो। ठीक है, तो आप किस लिए प्रिंटर को किस लिए यूज़ करते हो, प्रिंट आउट निकालने के लिए। ठीक है, तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। क्लियर, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं, कंप्यूटर का यूज़ आप कहाँ कहाँ पर करते हो। ठीक है, सब क्लियर है आपको। एंड यूजेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, आपको क्या बताया गया था, कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, कहाँ कहाँ पर आपने अपने कंप्यूटर को यूज़ किया था, कहाँ कहाँ पर करते हो, स्कूल्स में यूज़ करते हो, सभी स्कूल्स में आपने लैब में यूज़ किया था, ऑफिस में यूज़ होता है, सबने देखा। ठीक है, और कहाँ पर, बैंक में आपका क्या यूज़ होता है, कंप्यूटर भी, वहाँ पर भी बैंक में भी आपका कंप्यूटर यूज़ होता है, सबने देखा होगा। ठीक है, और रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा, रेलवे स्टेशन पर भी कंप्यूटर टिकट्स बुक कराने के लिए आप क्या करते हो, कंप्यूटर का यूज़ करते हो। ठीक है, और कहाँ कहाँ पर देखा था, एयरपोर्ट पर आपने देखा, एयरपोर्ट पर भी आप उसको यूज़ करते हो, कंप्यूटर सिस्टम।